जां बड्डे तक एम पी तक जिसलै इलैक्शन होंदा ते अस सारें गी पानियै दा मसला दस्सने आं। होर असें कोई दस्सेआ सार गी ते अस इ'यै आखने आं कि पानी पलाई ओड़ो कि सानूं पानी पलाओ। बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं, पानी है नहीं है ना, बच्चे नहाएंगे कहाँ। धन्यवाद पत्रिका में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रभदयाल और कैमरामैन अभय पचनातिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रचंड गर्मी जो है वो इस समय चरम पर है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गांवों के साथ साथ शहरों में भी पानी की किल्लत जो है वो लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में तो पानी की किल्लत है ही है, और अगर हम बात करें कठुआ क्षेत्र में पड़ते कंडी इलाकों की, तो कंडी इलाके जो हैं वो इस समय पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय के कठुआ के मात्र 20 किलोमीटर दूर गांव बड़ेनाल, जहां पर हर वर्ष जो है वो पानी की किल्लत रहती है और लोगों को कुएं के ऊपर पहरा देना पड़ता है, और हर परिवार को 40 से 45 लीटर पूरे दिन में पानी पीने को मिलता है। हम मौजूद हैं गांव बड़ेनाल का दृश्य है, गांव बड़ेनाल है, ब्लॉक बरनोटी में पड़ता है और महज जिला सचिवालय से 20 किलोमीटर दूर है। नल के जरिए हर घर जल पहुंचाने की बात करते हैं, वहां पर आज भी लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 75 वर्ष यहां हम आजादी के मनाते हैं, वहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। जहां पर हम बड़ी बड़ी इमारतों की बात करते हैं, बड़े बड़े पुलों की बात करते हैं, बड़े बड़े रोड्स की बात करते हैं, यहाँ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वहीं आज बड़ेनाल गांव के लोग जो है वो सिर्फ एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 7 से 8 कुएं हैं और लगभग 5 कुएं जो हैं वो सूख चुके हैं और 2 ही कुओं में पानी है। और कुआं है वो हम उस समय उसी कुएं पे मौजूद हैं और लोग जो हैं वो इस कुएं के ऊपर पहरा दे रहे हैं ताकि गांव का कोई व्यक्ति जो है वो पानी ना ले जा सके, क्योंकि इन्होंने टाइम निर्धारित किया है सुबह का 6 बजे और शाम को 6 बजे। हर परिवार को 2-2 बाल्टी पूरे दिन में 40 से 45 लीटर पानी लेना। आइए बात करते हैं यहाँ पे लोग गांव के बैठे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कितनी देर से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें इनको जो हैं वो आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका धन्यवाद पत्रिका में। जी अंकल, बताएंगे मतलब 75 वर्ष यहाँ हम आज़ादी के मना रहे हैं, वहाँ पर आज भी आप लोग जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तक पानी के लिए तरस रहे हैं और ना आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई पानी के लिए में कोई कड़े प्रबंध भी नहीं किए, कोई बोर नहीं करवाया, कोई ऐसे कोई पक्का हमारा पानी का कोई भी सोर्स नहीं किया है। तो हम गुजारिश करते हैं बार बार हर गवर्नमेंट से के आगे प्रार्थना भी करते हैं, डिमांड भी देते हैं, डेपुटेशन भी लेके जाते हैं कि हमारा पानी के बारे में कोई हल होना चाहिए, तो मानते नहीं है, क्या करें। काफी देर से ये समस्या है आपके गांव की, मैं पहले 4 साल 5 साल पहले भी इस गांव में आया था, तब भी ऐसा है, ऐसे ही हालात है। देखो जी, 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ऐसे ही हालात है, आपके 6 कुएं जो हैं वो सूख चुके हैं। हाँ। लोग जो हैं वो दर बदर है पानी के लिए, कितनी परेशानी होती है जब स्कूलों में बच्चों ने स्कूल में जाना होता है, जो लोग काम के लिए जाते हैं सुबह उठ के पहले उनको पानी के लिए मुशक्कत करना पड़ती है, कितनी दिक्कत होती है हर सुबह। देखो सुबह उठ के जब बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं तो उनको सबसे पहले चाहिए नहाने के लिए पानी, बाथरूम में पानी है नहीं है ना, बच्चे नहाएंगे कहाँ। हमने पहले ही बताया था कि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, ये हफ्ते में एक बार नहाते हैं, क्योंकि पानी मिलता नहीं है, नहाने के लिए पानी तो मिलता नहीं है। हफ्ते के बाद में जब संडे आता है तो संडे के दिन में दूर जाके 3-4-4-5 किलोमीटर नीचे जो है हमारा, वहां में जाके ये बच्चे नहाकर आते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए दूसरे दिन तैयार होते हैं। हफ्ते में एक बार नहाते हैं सर, इतनी परेशानी है हमें पानी की, तो हम कह नहीं सकते कि हमारा इसका, हमारे जो हैंडपंप लगे हुए थे हैंडपंप खराब हो गए थे, तो हमारा सरपंच प्रिंसिपाल जी उर्फ निक्कू जी घाटी वाले, ये इन्होंने कल एक मतलब मैकेनिकल जो हैंडपंप ठीक करने वाली पार्टी लाई थी और उन्होंने एक हैंडपंप हमारा जो ठीक कर दिया, थोड़ा सा पानी का थोड़ा सा हमारा बचाव हो गया है। तो पानी साफ नहीं आ रहा, पीने का लायक नहीं है पानी, उसमें आयरन है, लाल रंग का पानी आ रहा है। तो हम पानी जो पीने के लिए बस ये देखो ये इस कुएं में से हम पीते हैं, यहाँ पैरा लगा हुआ है पानी का, ये सुबह 6 बजे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और शाम को 6 बजे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 45 लीटर से पानी हम पर कुंभे को देते हैं।
तो पानी की समस्या तो है ही है। क्या देखते हैं मतलब राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वो आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। इस गांव में पानी की समस्या पिछले काफी समय से है, और मेरे ख्याल में जैसे कि आपने बताया कि हमारे ये जो कुआं है दादे परदादे के समय का है, इसी कुएं से पानी मिलता है, बाकी कुएं जो है वो काम नहीं करते। तो क्या कहते हैं जब वो वोट मांगने आपसे आते हैं तो किस तरह से मतलब क्या कभी डिमांड करी उनसे कि हमें जो पानी की मूलभूत सुविधा जो है वो दी जाए? देखो जब भी कोई नेता जी हमारे गांव में आते हैं तो नेता ही जब इलेक्शन के टाइम में पब्लिक से वोट लेने आते हैं तो जो भी नेता लोगों के साथ डिमांड करता है ना कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो 101% झूठ बोलते हैं पहला नंबर। क्योंकि जो इलेक्शन के ऊपर नेता लोगों को कहता है कि मैं आपकी ये करूंगा, डेवलपमेंट के लिए ये करूंगा वो करूंगा, वो बिल्कुल झूठ होता है, ऐसा करते नहीं है, ना होता है। हमारी भी इस वक्त मेरी तो 60 साल उम्र हो गई है, 60 साल से लेकर हम पानी के लिए जो कंडीशन इस आज है वो हुई 60 साल पहले भी थी और आज भी है। तो इस बार 24 के लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के दल जो है वो आपके पास आए होंगे, क्या आपने उनके आगे ऐसी समस्याएं रखी जहाँ से कभी जिला सचिवालय के डीसी कठुआ के सामने समस्या रखी? बहुत बार गए हैं कठुआ में डीसी के पास, पीएचई के पास, इन्हें पानी का डिपार्टमेंट है जो पीएचई वालों हैं इनके पास गए, ग्राउंड वाटर वालों के पास गए हैं, लेकिन बस यही कहते हैं हाँ आपका काम होगा, आपका ट्यूबवेल लगेगा, आपका बोर लगेगा, ये हो गया लगेगा, पता नहीं कब लगेगा। जेजेएम योजनाएं कहाँ तक सीमित है आपके तक यहाँ पहुंची? जेजेएम हमने सुना है जेजेएम का डिपार्टमेंट है, लेकिन है वो नीचे इलाके में सिटी के, हमारे इनकंडी बेल्ट में जेजेएम का कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। हमने देखा पीछे तक सड़क बनी है, सड़क जो है वो पीछे तक बनी है और आगे आने में भी कई तरह की परेशानी निकलना पड़ता है। देखो जी सारी दिक्कतें हैं, ये हमारा एक रोड बना हुआ है ना, ये रोड हम कहते हैं मानते हैं जी, जिस नेता जी ने हमारा ये रोड बनाया है ना, हम उनको आज भी उनको भूल नहीं सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह जब हेल्थ मिनिस्टर थे ना, नहीं फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उस टाइम ये हमारा रोड बना था। तो ये रोड बना हुआ है, इसके आगे के लिए जो रोड बनाना है अभी, ये अब कोई नेता आएगा फिर गवर्नमेंट बनेगी तो रोड की डिमांड देंगे तो बनेगा, ऐसे कोई मानता नहीं है कोई। किस तरह से यहाँ पे पानी दिया रहा है कि मतलब लीटर के हिसाब से पानी देते हैं? पानी हम यहाँ 45 लीटर सुबह एक कुंभे के और 45 लीटर ही शाम को 6 बजे, हर कुंभे को 45 लीटर सुबह और शाम को पानी हम डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। अगर किसी वजह से उनके घर में कोई पानी खत्म हो जाता है, खत्म होगा अगर किसी को 45 लीटर से ज्यादा की जरूरत है तो वो पानी यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे हमारा दयायुज है, वो वहाँ से लाएगा पेमेंट पर, घोड़ों पर लाएगा या गाड़ी में लाएगा, ट्रैक्टर पर लाएगा, जिसके मर्जी से लाएगा, लेकिन वो लाएगा अपनी पेमेंट, इस कुएं से नहीं मिलेगा पानी में। तो या फिर हमारा दूसरी तहसील बलावर की इलाका है जुथाना एरिया में, वो वहाँ में भी पानी है घोड़ा नाले में, या वहाँ से लाएगा कोई, लेकिन इस कुएं से पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो किस तरह से फिर रहता है पूरा दिन, इसमें देख रेख कौन करता है, कौन? यहाँ एक हमने पहले दर बैठाया हुआ है, हाँ वो सुबह से लेकर शाम तक इधर बैठा रहेगा, क्योंकि पानी की यहाँ कोई चोरी नहीं करने देता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई यहाँ से पानी चोरी करता है तो उसको हम 3 दिन यहाँ का पानी नहीं देते, 3 दिन उसको पानी नहीं मिलेगा, जहाँ से मर्जी लाओ, जहाँ मर्जी चले जाए, डीसी के पास चले जाए, थाने में चले जाए, हम उसको हमने बार नहीं दिया कि तेरे को 3 दिन पानी नहीं मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे सरकारें जो है वो बड़ी पुलों की बात करती है, 6 एक्सप्रेस हाईवे की बात करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करती है, लेकिन इस गाँव में जो है वो पानी की जो सुविधा है वो तक मुहैया नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखो ये नलायकी है सरकार की, या कितनी बड़ी नलायकी है कंसर्निंग विभाग? देखो ये बात है कि हमने क्या करने हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे हमने क्या करने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जेएमजी जो बनाए हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, स्टोर बनाए हमने, हमें तो पानी चाहिए, हमारे गांव का पानी नहीं है, हमने रोड को क्या करना है, हमने बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं, ये अभी चल रहा है, ये 6 लाइन चल रहा है, या एक्सप्रेस हाईवे बना रहा है, हमें तो पानी पीने के लिए उन्हें उन रोडों का हमने क्या करना है, उनका हमें क्या फायदा है, हमें चाहिए पानी,
तो हम चाहते हैं कि मीडिया वाले हमारी ये गांव की हर मल है जो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो एडमिनिस्ट्रेशन से हम तो ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले हमारा पानी का प्रबंध होना चाहिए। यहाँ कम से कम भी हमारे इस गांव में एक भी अगर बोरवेल लग जाए ना तो हमारा इस गांव का पानी का मसला हल हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट से बार बार ये डिमांड करते हैं कि हमारा एक बोरवेल बनाया जाए ताकि हमारे हम ये पानी से जो जूझ रहे हैं इसे हम थोड़ा बचत हो सकते हैं। और किस गांव से हैं और बताएंगे? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। बताएंगे मतलब कितनी दिक्कत है, कितनी किल्लत है यहाँ पे पानी की और कितने वर्षों से ये समस्या है? जरूर 50 साल मेरी उम्र हुई है जी। मैं इयै देखिया मता नहीं तो 5 साल का तो इस खूहे रहा बैठना मैं जी। 5 साल का इयै देखिया भी जो 3-4 महीने ना इतने इयै हाल रहा। जिले राजनीतिक पार्टियां लाते हैं, नेता आते हैं, वोट मंगते हैं, दूरी भी नहीं है जिला डीसी ऑफिस, फिर भी पानी की समस्या किन्नी है, किन्नी बारी तुस उत्थे गए हो? देखो नहीं कुछ ने देखिया तो साड़ी समस्या दूर हो रही होंगी, जिन्ने चिर कोई हल नहीं साड़ा बनगा तो इन्नी समस्या रोनी है जी। जे डीसी दफ्तर लग गया हो तो इतने बंदा दुखी हो तो दफ्तर नहीं पी इन्हें कस बथेरे डेपूटेशन गए डीसी के भी गए, हाँ कोई मसला हल नहीं हो। क्या सरकार के क्या डिमांड करते? सरकार की अस इ आखने के पानी पिलाई ओड़ो, दिखो गरीबों वास्ते साढ़े बच्चों की बड़ी मुसीबत है, स्कूल जाना होंगे इतों का बुद्धि किन्ना दूर है इसलिए 12-14 किलोमीटर है, सवेरे साढ़े बच्चे 5 बजे ने उठते हैं, एक एक गलास कुदै पानी दिने उन्हें मूँह धोने वास्ते है नी, नहाते भी उन्हें हफ्ता हफ्ता भी हुंदा। सरकार दे दी जांदी स्कीम चला दी कि हर घर चला दे हैं भाई, सुनने अस भी खबर सुनते रहने, वो दसे दे भाई हर जल नल पानी सारा कुछ दसे दे, साढ़े मुकद्दरे नहीं है खबर इतू तो कोई पाइप या कोई तैयार ही नहीं हुई है, पाइप तैयार नहीं हुई पाकिस्तान में हो सकता कोई बड़ी गल नहीं है। लोग जो इस समय कुएं के ऊपर पहरा दे रहे थे, जहां पर आपने ऐसे की सुना कि रोज जो है 45 लीटर एक कुंबे को जो है वो पानी पीने के लिए दिया जाता है, वो अगर उससे ज्यादा कोई पानी चाहिए वो फिर क्या करता है कि पेड पानी जो है जैसे मतलब टैंकर जो है मंगवाता है अपने खर्च पर। तो इस तरह के हालात जो हैं वो 75 वर्ष के बाद हैं, जहां सरकारें जो हैं बड़ी बड़े दावे करती हैं वहीं यहां गांव के लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बने रहिए जनवाद पत्रिका के साथ अगले अपडेट के लिए, मैं आपका दोस्त प्रभ दयाल और कैमरामैन अभय बचनातिया, जय हिंद जय भारत।